क्या बिहार में ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफे की वजह झोलाछाप डॉक्टर्स हैं? इस मामले पर न्यूज नेशन की टीम ने पूरी पड़ताल की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के कहर के बाद ब्लैक फंगस के मामले मुसीबत बने हुए हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के केस में एकाएक इजाफे की वजह आखिर है क्या? इसके कारणों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। बिहार में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर और कारण कई हैं ब्लैक फंगस होने के, लेकिन एक कारण ये कि ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना और नतीजा ये कि लोग लोकल डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिशनर्स क्वैक से कराते हैं इलाज और बाद में अब ये देखने को मिल रहा है कि गांव से बिहार के छोटे शहरों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यानी अनहाइजीनिक उपचार, सही तरीके से दवाओं का इस्तेमाल नहीं, अत्यधिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल और नतीजा ये कि अब बिगड़ते हुए मामले। न्यूज नेशन ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की पड़ताल के लिए सूबे के उन इलाकों का रुख किया जहां ऐसे मामलों में इजाफा देखा गया है। इस दौरान इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी जाना। कितना यहाँ पर डॉक्टर वॉक्टर स्वास्थ्य का व्यवस्था है बताइए विनोद भैया? हाँ जी, नहीं डॉक्टर का तो कोई व्यवस्था नहीं है, जो RMP हैं उन्हीं के भरोसे यहाँ की जिंदगी कटती है। एक APSC है गुनपुरा पंचायत में है भी, तो वहाँ कोई रहता नहीं है, कोई वहाँ सुविधा नहीं है। APSC का मतलब कि जो असिस्टेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो भी वर्किंग नहीं है? नहीं। और RMP का मतलब हुआ जो कि क्वेक्स जिनको हम क्वेक हैं, जो प्रैक्टिशनर है वो कहीं से सीख के किसी डॉक्टर के पास से आके और अपना क्लिनिक खोल दिए हैं और जो भी होता है सही गलत वो करते हैं, वो इलाज करते हैं। कितना इलाज होता है क्वेक के भरोसे? कितना सरकार यहाँ हमारे कहाँ तो कुछ होबे नहीं किया है अभी तक। बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। झोलाछाप डॉक्टर्स के भरोसे गांव कस्बों में संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पूरे मामले की तस्दीक के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पटना एम्स के सीनियर डॉक्टर और नोडल अफसर संजीव कुमार से संपर्क किया। बिहार में शहर है या शहर की तुलना में जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ से केसेस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। तो शुरू में जिस तरीके से लोगों ने क्वैक से इलाज कराया या ग्रामीण स्तर पर जो इलाज हुए या बेतरतीब तरीके से लोगों ने इलाज करा लिया, बहुत कुछ आइडिया नहीं था, क्या ये भी एक कारण रहा कि ब्लैक फंगस के केसेस अब तेज़ी से बढ़ने लगे? हाँ, ये एक कारण है लेकिन यही एक मुख्य कारण नहीं है। ब्लैक फंगस के कई कारण हैं जिसमें कि सबसे मुख्य कारण है जो लंबे समय से कोविड से पीड़ित हैं, लंबे समय तक उनका इलाज चला, अस्पताल में भर्ती रहे हों या ऑक्सीजन चला हो या ICU में रहें, तो जो एरिया है जहाँ पर ये फंगस मिल रही है, होता क्या है कि ये कोविड जो है ये थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है, तो जिस एरिया में नाक के पास, आँख के पास, चेहरे में, वहाँ वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, या तो थ्रोम्बस बन जाते हैं उस खून की नली में और उस एरिया में वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, नेचुरली ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वैसे जगह पर फंगस ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे आपने बताया कि जो जो विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है वो भी देते रहे स्टेरॉयड और ज़्यादा समय तक दे रहे हैं तो परेशानी हो सकती है। ये भी एक कारण है सर, मतलब कई कारणों में से ये भी एक कारण है कि लोग जहाँ पर बहुत प्रैक्टिशनर नहीं है या बहुत नॉलेजेबल लोग नहीं है, वो ज़्यादा स्टेरॉयड्स दे दिए या जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है वो हाइजीनिक नहीं हुआ। हाँ, या जहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है, जहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो इस तरह की परेशानियाँ होनी ही हैं। अभी ये केसेस बढ़ेंगे सर, जिस तरीके से आ रहे हैं सामने लग रहा है कि केसेस बहुत तेज़ी से, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो केसेस बहुत कम थे, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी बढ़े हैं लेकिन उम्मीद है जिस तरह से कोविड कंट्रोल में हुआ है, कोविड की संख्या कम हो रही है और हम लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं दवाइयों के मामले में, हाइजीन के मामले में, हो सकता है कि इस पर भी हम लोग काबू पा लें। चलिए, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना पर हम काबू पा रहे हैं और धीरे धीरे संक्रमण चेन को तोड़ने में हमने सफलता हासिल की है, इस ब्लैक फंगस को भी हम हराएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस ब्लैक फंगस होने के कई कारण हैं, चाहे छोटे कस्बों में क्वैक से इलाज, झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज, हाइजीन का ध्यान नहीं रखना और उसके बाद जब शहर में आते हैं तो ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, अस्पताल में ज़्यादा दिनों तक रहना और वहाँ कई तरह की परेशानी होना कोरोना के दौरान। बड़ी दिल्ली स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।